जो ये पूछते हैं कि मोदी ने 4.5 सालों में बदला क्या है, उनके लिए है ये आसमान के सन्नाटे को चीरती गड़गड़ाहट। एक साथ 31 सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की तरफ फर्राटा भर रहा PSLV C-43। भारत अब सिर्फ अपने सैटेलाइट लेकर ही उड़ान नहीं भरता है, बल्कि अमेरिका जैसे देश भी अब हमारा सहारा लेते हैं। PSLV-43 भारत का एक सैटेलाइट और 8 देशों के 30 सैटेलाइट एक साथ लेकर उड़ा है। हमारे लिए गर्व का मौका है कि इस मिशन में हमने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 23 सैटेलाइट आसमान में भेजे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन के सैटेलाइट भी शामिल हैं। इस लॉन्च में भारत ने अपना जो उपग्रह भेजा है उसका नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह, यानी हाइसिस, जिसे खुद इसरो ने तैयार किया है। ये भारत के लिए धरती के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगा। 630 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से ही ये वस्तुओं के 55 अलग अलग रंगों को भांप लेगा। हाइसिस को एक विशेष चिप की मदद से तैयार किया गया है, जिसे तकनीकी भाषा में ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर एरे कहते हैं। ये पर्यावरण सर्वेक्षण फसलों के लिए उपयोगी जमीन का आकलन और तेल व खनिज पदार्थों की खोज भी करेगा। साथ ही इंडस्ट्रीज से होने वाले प्रदूषण की निगरानी करेगा। क्या आप अभी भी जानना चाहते हैं कि मोदी ने 4.5 सालों में क्या बदला है, या फिर 104 उपग्रह वाली कहानी एक बार फिर से सुनाएं आपको?